भाई। वो लड़की मुझे चाहिए। पॉइंट ये है कि मैं ही हूँ जो उसे ला सकता हूँ। इतना श्योर है? रिकॉर्ड चेक कर लो, मैं आज तक एक फाइट नहीं आ रहा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ योगी और आप देख रहे हैं फिल्मी मार्ट। दोस्तों, दूसरा वीकेंड शुरू होते ही पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास की फिल्म कल्कि फिर से बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई करना शुरू कर चुकी है और इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1000 करोड़ रुपए के आंकड़े के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म कल्कि के 11 दिनों के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में और जानेंगे कि फिल्म ने पांचों भाषाओं से दुनिया भर में अब तक कितने करोड़ रुपए की कमाई की है। तो चलिए शुरू करते हैं। साथ ही अगर आपने यह फिल्म देखी है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह फिल्म कैसी लगी, सुपरहिट या फिर ब्लॉकबस्टर। तो दोस्तों, जहां साल 2024 में बॉलीवुड की ज्यादातर फिल्में 4 दिन में ही दम तोड़ चुकी थी, वहां कल की फिल्म अपने 11वें दिन भी धमाकेदार कमाई करते जा रही है। जी हां दोस्तों, इस साल जितनी भी फिल्में रिलीज हुई हैं, फिर चाहे वो साउथ की हो या बॉलीवुड की, उन सभी फिल्मों का जितना लाइफ टाइम कलेक्शन था उससे दुगनी कमाई तो यह फिल्म सिर्फ 11 दिनों में ही कर चुकी है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि नाग अश्विन के डायरेक्शन में बनी है फिल्म कल्कि, जिसमें प्रभास के साथ अमिताभ बच्चन, कमल हसन, दिशा पाटनी और दीपिका पादुकोण नजर आए हैं। इस फिल्म को 5 भाषाओं हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम तथा कन्नड़ में 27 जून को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और इस वक्त सिनेमाघरों में इस फिल्म का दूसरा वीकेंड चल रहा है, यानी कि मूवी के सिनेमाघरों में कंप्लीट कर लिए हैं 11 दिन। और अगर बात करें फिल्म कल्कि के 11 दिनों के वर्ल्ड वाइड टोटल कलेक्शन के बारे में, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिल्म के इंडियन कलेक्शन की, उसके बाद हम बात करेंगे वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की। बता दें कि फिल्म कल्कि ने अपने शुरुआती 8 दिनों में, यानी कि पहले हफ्ते में, ऑल इंडिया से नेट कलेक्शन 456 करोड़ रुपए का किया था। वहीं 9वें दिन फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 22 करोड़ और 80 लाख रुपए का रहा था। बात करें फिल्म के 10वें दिन यानी शनिवार की, तो शनिवार को इस फिल्म के कलेक्शन में एक जबरदस्त ग्रोथ देखी गई। यहां दोस्तों, फिल्म कल्कि ने अपने 10वें दिन इंडिया से 44 करोड़ और 27 लाख रुपए का नेट कलेक्शन किया। अब बात करें फिल्म के 11वें दिन यानी आज की, तो आज संडे होने के कारण इस फिल्म के कलेक्शन में एक बार फिर से ग्रोथ देखने को मिल रही है। यहाँ दोस्तों, फिल्म कल्कि आज अपने 11वें दिन इंडिया से 5 भाषाओं में 52 करोड़ और 50 लाख रुपए का कुल कलेक्शन करने वाली है। और इसी के साथ दोस्तों, 11 दिनों का जो इंडिया नेट कलेक्शन होता है वो होता है 576 करोड़ और 60 लाख रुपए का। वहीं फिल्म का इंडिया ग्रोस कलेक्शन होता है 684 करोड़ और 90 लाख रुपए का। अब बात करें फिल्म के ओवरसीज कलेक्शन की, तो बता दें कि इस फिल्म ने न सिर्फ इंडियन मार्केट में बल्कि ओवरसीज मार्केट में भी अच्छी खासी कमाई कर ली है। बता दें कि फिल्म ने अपने 11 दिन में दुनिया भर से 234 करोड़ और 93 लाख रुपए का कुल कलेक्शन कर लिया है। और इसी के साथ दोस्तों, फिल्म कल्कि 2898 AD का 11 दिनों का जो टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होता है वो होता है 919 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, अब फिल्म कल्कि ने अपने शुरुआती 11 दिनों में दुनिया भर से 919 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है। लेकिन अब देखना यह होगा कि यह फिल्म अपने लाइफ टाइम में कितना रेवेन्यू जनरेट कर पाती है, 1200 करोड़ या उससे ज्यादा। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही डेली बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।